हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे NIACL AO 2019 जो एग्जाम हो चुका है, प्रीलिम्स का एग्जाम। जो आप जानते हैं कि कल उसका एग्जाम हुआ था, तो आज मैं आपको बताऊंगा उसका पूरा एनालिसिस, बताऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या आया था और कैसा एग्जाम रहा था, और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो कल एग्जाम हुआ है NIACL AO 2019 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक आपने हमारा चैनल बैंकिंग ट्रिक्स 377 सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस का अपडेट टाइम टाइम आते रहे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो पूछी गई थी कल के एग्जाम में, उसमें आप देख सकते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहा है, मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं। तो इसमें आपको 35 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें आपको 20 मिनट्स मिली थी इसमें भी, और आपका जो है DI पूछी गई थी, DI जो आपका 3 DI आई थी, और इसमें आपका रॉन्ग नंबर सीरीज जो कि इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेशन आया था 5 क्वेश्चंस, और जो उसमें आपके जो मिसलेनियस हो गया उसमें से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ओवरऑल एग्जाम जो आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिला था, और DI जो आई थी, DI 3 DI आपको देखने को मिली थी। इसमें जो 3 DI में से आपकी एक टेबुलर DI थी और एक कैसलेट DI आपको देखने को मिली थी, और आपको एक बार ग्राफ भी देखने को मिला था। तो आप अगर हम टेबुलर DI की बात करते हो, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हो तो आपने इजीली वो अटेम्प्ट कर लिया होगा। टेबुलर DI में आपको रेशियो दिया हुआ था स्टूडेंट और टीचर के बीच में, इस टाइप की आपकी DI पूरी थी, तो इजीली ये अटेम्प्ट हो जाती है अगर आपने प्रैक्टिस करके गए होगे। तो इसका भी मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं पूरा एप्टीट्यूड अगर हम देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का जो हमारा एप्टीट्यूड रहा था, और एक कैसलेट DI पूछी गई थी, और एक बार ग्राफ का एक पूछा गया था जिसमें आपका कंपेरिजन दिया हुआ था इंडियन और वेस्टर्न क्लोथ्स के बारे में, तो ये आपका पूछा गया था DI में। तो 3 DI अगर आपने टाइम देकर इसको अच्छे से किया होगा तो आप इजीली कर सकते थे इसको, 12 मिनट में आप तीनों DI जो है कंप्लीट कर सकते थे। रॉन्ग नंबर से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, बस एक क्वेश्चन को अगर छोड़े जाए तो आप इजीली इसमें भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से कर पाते। अप्रोक्सीमेशन बहुत ईजी आया हुआ था, और जो अगर आपने इसमें से 10 में से अगर 3 to 4 क्वेश्चन भी अगर आपने बना लिए है तो आप इजीली जो है 25 अटेम्प्ट कर लिए होगे। तो अगर हम एवरेज अटेम्प्ट देखा जाए, अगर सेफ अटेम्प्ट जिसको बोले क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 20 से 24 अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आप एक आपका अच्छा स्कोर है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपको यहाँ पे इजी देखने को मिला था, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा बेस है वो इंश्योरेंस मार्केट पे हमारा आया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की गई, अगर डेली आप पढ़ते हो एडिटोरियल वगैरह पेज, तो आप आराम से जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझ सकते थे, तो ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। ग्रामेटिकल एरर आए थे 5 सिंगल वर्ड फिलर जो कि इजी टाइप के थे, आराम से आपने कर लिए होंगे 5 मार्क्स। और क्लोज टेस्ट भी जो इजी पूछा गया था 5 मार्क्स का, सेंटेंस रिअरेंजमेंट दिया था जो आप मॉडरेट लेवल कह सकते हैं जिसमें 5, ये भी आपने कर लिया होगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और वर्ड यूजेज आया था आपका 3 मार्क्स का, तो ज़्यादा टफ नहीं था, आप मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं। तो इंग्लिश थोड़ा हल्के लेवल का था अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो। जो 30 क्वेश्चन इसमें भी थे और इसमें आपको 20 मिनट्स मिली थी, तो आपने अगर 18 to 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपका एक अच्छा स्कोर है इंग्लिश सेक्शन में भी। और अगर मैं तो पहले से आपको बता रहा था कि आप एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालिए, एडिटोरियल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने जो है इंग्लिश सेक्शन आराम से अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो एक अच्छा स्कोर है जो इंग्लिश में बोल सकते हैं 18 से 24 अगर आपने किया तो आप सेफ जोन में है। और सबसे इंटरेस्टिंग रीजनिंग की अगर बात करी जाए तो रीजनिंग जो है काफ़ी इजी टू मॉडरेट आपको कह सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करके गए तो आपने जो है इजिली इसकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। लोगों ने 35 35 भी बहुत से बोल रहे कि मैंने पूरे 35 अटेम्प्ट किया है, तो अगर एक अच्छा स्कोर रीजनिंग में देखा जाए तो 26 से 31 आप बोल सकते हैं गुड अटेम्प्ट है। और बात की जाए कि रीजनिंग में आया क्या क्या था, तो पजल आपको देखने को मिली थी जिसमें 18 क्वेश्चन आपको पजल से लगभग देखने को मिले थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। सिलोजिज्म बहुत ईजी आई हुई थी 5 मार्क्स, इसमें आराम से आपने गेन कर लिया होगा। डायरेक्शन से क्वेश्चन आए थे 3, और अल्फाबेट बेस्ड 2 बहुत ईजी था, ये भी आपने कर लिया होगा। कोडिंग डिकोडिंग 4, और इनक्वालिटीज जो है 3 मार्क्स की बहुत ईजी, मतलब ये तो फ्री के नंबर थे आपके। तो आपने जो है अगर हम रीजनिंग की ओवरऑल बात करें तो आप इजी लेवल का इसको कह सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें ऐसा नहीं था कि किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो। तो इसमें आपको जो पजल पूछी गई थी, पजल में आपको 4 पजल पूछी गई थी जिसमें एक आपकी स्क्वायर बेस्ड पजल थी, स्क्वायर अरेंजमेंट में पूरा दिया हुआ था जिसमें 8 पीपल आपके बैठे हुए थे, वो सारे के सारे सिंगल वेरिएबल है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई आपको करने में उसे। अगर आपकी उन्हें प्रैक्टिस की है, पहले से आप प्रैक्टिस करके जा रखे हैं, तो आपने इजिली अटेम्प्ट कर लिया होगा। एक सेकंड पजल आपकी बॉक्स पजल आई थी जिसमें आपके 9 बॉक्सेस थे ऊपर नीचे, तो ये भी आपने कर लिया होगा। थोड़ा सा इसमें हल्की सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अगर हम देखा जाए तो 4 पजल में से बॉक्स पजल आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल की थी, बाकी जो है आपने इजिली कर लिया होगे।
लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आया था, बहुत आसान आया था। 9 पीपल जो एक सिंगल रो में बैठे हुए थे और ये भी सिंगल वेरिएबल के थे। इसमें कोई भी जो पजल ऐसी नहीं थी जो डबल वेरिएबल में आई हो, सारी सिंगल वेरिएबल की पजल थी। और एक लास्ट पजल जो हमारी आई थी फ्लोर बेस्ड पजल, ये भी आपकी 9 फ्लोर की थी और इसमें भी आपका सिंगल वेरिएबल था, इसमें कोई डबल वेरिएबल का कोई क्वेश्चन नहीं था। तो रीजनिंग भी आप कह सकते हैं इजी लेवल की थी। इसमें आपने अगर 26 से 31 के बीच में अटेम्प्ट किए तो एक अच्छा अटेम्प्ट है आपका। तो अगर हम बात करें गुड अटेम्प्ट्स की, अगर आपके गुड अटेम्प्ट्स 74 से 79 के बीच में विद एक्यूरेसी, ये नहीं कि आपने 74 79 कर लिए इनमें से 10 15 गलत हो गए, अगर आपकी एक्यूरेसी जो है 95% है या फिर 92% भी है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, हो ही जाएगा। आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दिए, क्योंकि मेंस का जो इसका एग्जाम है 2 मार्च को आपका होना है, तो आप अभी से तैयारी कर दिए। देखो यार, अगर आपका मान लो बाई चांस होता भी नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी रहेगी कि आप जो आगने वाले एग्जाम है SBI क्लर्क हो गया, SBI PO, तो उसमें जो है आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को बिल्कुल भी मत रोके कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपको नहीं सोचना है। अगर आपके इतने अटेम्प्ट है डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आपका जो भी होगा, अगर नहीं भी हुआ तो यार पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, वो आगे जाके जो आने वाले एग्जाम है उनमें जो है आपकी अच्छा ग्रिप बन जाएगी उनके ऊपर, जो आप सब्जेक्ट अच्छे पकड़ कमांड हो जाएगी उन पर, तो आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जाए कि लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी, अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको बताता हूँ। अगर लास्ट ईयर ईयर की हम वैकेंसी देखते हैं तो आपको 205 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस बार जो वैकेंसी आई हुई है वो 312 वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी में तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप देखो कि कंपटीशन भी जो बढ़ता है, हर साल कंपटीशन बढ़ता ही है आपको पता है। और इस बार जो है एग्जाम का लेवल भी जो है थोड़ा इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, पिछले पिछले साल से हल्का सा इजी देखने को आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से कट ऑफ जो है उसी के करीब करीब रह सकती है या फिर उससे 1 2 नंबर आगे पीछे हो सकती है। तो हम अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, वैसे उससे पहले हम 2017 की कट ऑफ देख लेते हैं ओवरऑल जो गई थी। तो जनरली कट ऑफ आपको 61.25 देखने को मिली थी, और OBC की 59 कट ऑफ आई थी, SC की 54.25 और ST की 47। तो इस बार भी इससे 2 3 नंबर तो आगे जाएगा जाएगा, क्योंकि यार एग्जाम का लेवल भी इतना हाई नहीं था, मतलब इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। और जो है कंपटीशन तो आप जानते ही है, साल पूरा ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। और आपको पता ही है SSC के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उठ करके काफी बैंकिंग में आए हैं, क्योंकि SSC का केस लटका हुआ है आपको पता ही होगा। तो कंपटीशन इस बार थोड़ा हाई था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा स्कोर एक आपने कर लिया होगा। तो आप अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करी जाए तो आप बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि हमारा अगर ये बात की जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो 68 ± 2 इसमें आप ले लीजिए, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया जो मैंने आपको बताया था, अगर आपके 68 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं, 68 ± 2 आप ले लेके चलिए, इससे ज्यादा जो है वेरिएशन नहीं होगा, तो आपके जो है आराम से आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अपनी पढ़ाई आप चालू रखिए, चाहे आपका कितना भी अटेम्प्ट है, इससे कोई कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि एक एग्जाम थोड़ी ना यार, अगर ये एग्जाम नहीं हो तो अगले एग्जाम में होगा। आपके एग्जाम तो आने आने हैं, बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम इस बार आने हैं। तो आप अपनी तैयारी जो है जोरों से पूरी स्टार्ट कर दीजिए। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी पूछ रहे थे, तो 68 ± 2 इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल बैंकिंग ट्रिक्स 377 सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस के सारे अपडेट टाइम टाइम आते रहे। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।